15 मिनट में मैं मेरा पार्ट रखना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि पूरा कन्वेंशन अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये मेरी बातें आपको एक्शन के लिए बहुत जरूरी, बहुत काम आएगी। नाम वगैरह कुछ नहीं बताना चाहता, हाँ छोटा सा जो नए एसोसिएट जो कई सारे हैं, नाम गौतम जैन है और एग्जिट मैं हमेशा ऑर्बिट काउंट रखता हूँ। 1027 ऑर्बिट कंप्लीट हो चुकी है ईबीज में। अब इसका कारण बताता हूँ, ठीक है? बहुत गहराई से समझना, आपको सारा का सारा, आपका जो आप कहीं पे सक्सेस ढूंढ रहे हो, आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाह रहे हो, आप कामयाब होना चाह रहे हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। सिर्फ 15 मिनट की बात है और डायरी में नोट भी करनी पड़ेगी आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम में होती है, जो मैं समझता हूं 11 साल के एक्सपीरियंस से ईबीस के, वो हमारा खुद का लेजीनेस होता है। हमारा जो लेजीनेस का जो एटीट्यूड है वो हमें सक्सेसफुल बनने नहीं देता, वो हमारा शत्रु होता है और उसको हम रोक नहीं पाते। आप सभी ने, मैं आवाज नहीं चाहूंगा, मैं कोई नहीं बोलेगा, सब लोग जहां है वहीं बैठ जाइए। पूरे इवेंट में मैं ये भी नोटिस कर रहा था कि कई कई बार जब स्पीच चल रही थी तो मुझे आवाज आ रही थी, बातें चल रही है, बातें करने आए कि सुनने आए, सीखने आए? बोलने से कुछ नहीं होगा कि पूरे इंडिया में फैलना है, उसके लिए सबसे पहला जो वर्ड आता है डिसिप्लिन, उसको फॉलो करना होगा। अभी भी आवाज आ रही है यहां पे। इतने बड़े बड़े लीडर यहां पे अचीव करके आ रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, अगर इतना आसान है तो सारे स्टेज पे होते। उनको सुनने आए हैं आप, इतना खर्च करके, इतनी मेहनत से सीखने आए हैं। अगर आजू वाला बोल रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आप उसको चुप करवाइए, आपका काम है वो। मुझे लगा मैं स्टेज पे आऊंगा तो शायद कोई नहीं बोलेगा, बट फिर भी वही चल रहा है, इस वजह से मुझे बोलना पड़ा। आप सभी ने सुबह अलार्म लगाया होगा उठने के लिए लाइफ में कभी ना कभी, एग्जाम के टाइम पे, कहीं जाने के टाइम पे। ये सुनो, बहुत गहराई से समझना बातों को। अलार्म लगाया कि नहीं लगाया ये पूछा है, कितने लोग उठे हैं ये नहीं पूछा मैंने। हम जब अलार्म लगाते हैं उसमें चार टाइप के लोग होते हैं, और इसी चीज को मैं सक्सेस से जोड़ूंगा, आप देखना आपको बात समझ में आ जाएगी बहुत आसान शब्दों में। पहली टाइप जो होती है, जो अलार्म लगाती है ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे कोई लगाता नहीं है, 4 बजे 3:30 बजे, उनको अलार्म क्लॉक लगाना उनका एक वो आदत होता है, लगाती है पूरा रूम उठ जाता है, पूरा घर उठ जाता है उस अलार्म को सुन सुन के, शायद आजू बाजू वाले भी उठ जाते हैं, इतने जोर जोर से अलार्म बजता है, बट वो व्यक्ति कभी नहीं उठता। उस व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे है, हो गए यहां पे कुछ लोग जो ऐसे डीप स्लंबर स्लीप में, ऐसे ऐसे डीप स्लंबर हो वो सोए रहते हैं, इतना डीप उनका वो गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड होता है कि वो अलार्म क्या ढोल भी बजा दोगे, कुछ भी कर लोगे, वो उठेगे नहीं, क्योंकि वो बिंदा ये सोच के नहीं सोए है, प्रिपेयर्ड होके नहीं सोए है कि अलार्म बजेगा तो उठना है। वो जस्ट सो गए हैं लगा के उसके भरोसे पे कि वो बजेगा, आवाज आएगी तो उठेंगे। इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, उनको मैं एक नाम देना चाहूंगा, उनको वो स्लीपर्स होते हैं, वो स्लीपर्स। दूसरी टाइप, अलार्म लगाते हैं, बजता है, उठ जाते हैं, पर अरे स्नूज बटन का आविष्कार किसने किया था, उसको बहुत थैंक यू बोलते हैं। स्नूज, सो जाते हैं 5 मिनट और,
5 मिनट बाद वापस स्नूज, वापस बजता है, वापस स्नूज, 5 मिनट बाद वापस स्नूज, 5 मिनट बाद वापस स्नूज, हाँ बट चौथी पांचवी बार उठ जाते हैं, उठते हैं वो। उनको मैं कहूंगा स्नूजर्स। तीसरी कैटेगरी, तीसरे टाइप के लोग, जो अलार्म बजता है बेड पे से तुरंत उठ के बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, मेरा लाइफ का मकसद क्या है, मैं यहां क्या कर रहा हूं। अबे हटाओ यार, वापस सो जाते। उनको कहते फॉलोअर्स। और चौथी कैटेगरी, अलार्म लगाते उठ के डायरेक्ट रेडी हो जाते हैं, सोचते नहीं है क्यों उठा, क्या सोचते नहीं है, अलार्म बजा उठ के डायरेक्ट रेडी हो जाते हैं और निकल जाते अपने काम पे। वो होते वेकर्स। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कैटेगरी इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी में होती है, स्लीपर टाइप की, जो जिंदगी में उनको कुछ करना ही नहीं है, उनको पड़ी ही नहीं है, वो सब कुछ एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। गंदगी है तो है, घर में प्रॉब्लम है तो है, मम्मी पर रो रहे तो रो रहे हैं, पापा जिंदगी भर काम कर रहे हैं कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज से। फेल हो रहे हैं तो हो रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई किसी भी चीज से उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्लीपर्स है, उनके माइंड में ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम है, वो स्लीपर्स होते हैं। कितनी भी कन्वेंशन देख ले हो बट फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एटीट्यूड ही नहीं है, स्लीपर्स की कैटेगरी है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। कितनी भी ट्रेनिंग ले ले, कितनी भी अपलाइन से बात कर ले, बट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्लीपर्स है। गैर जिम्मेदार एटीट्यूड, एकदम इररिस्पॉन्सिबल, फैमिली के लिए भी, खुद के लिए भी, और फ्यूचर में भी किसी के लिए भी। बट जो दूसरी कैटेगरी है स्नूजर्स वाली, ईबीज में भी ऐसे लोग होते हैं जो एक कन्वेंशन देखते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं या कोई मीटिंग देखते हैं, उनको रियलाइज होता है, उनको अच्छा लगता है और वो चेंज होने की शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू होता है और वो दोबारा वही गलत रास्ते पे चले जाते हैं। पता नहीं उनको क्या होता है, दोबारा वही गलत चीजें करने लगते हैं, दोबारा वही सब कुछ करने लगते जहां से शुरू किया था। अगर वही पे आना था जहां से शुरू किया है तो शुरू क्यों किया था। स्नूजर से वो लोग उठना तो चाह रहे हैं बट 5 मिनट बाद, उठना तो चाह रहे हैं बट और 5 मिनट बाद। लेट गो एटीट्यूड, बहुत ज्यादा लेट गो एटीट्यूड कि आज नहीं कल। ईबीज में ऐसे कई लोग हैं जिस वजह से 5-5-6-6 साल गुजार चुके हैं वो ईबीज में, इस एटीट्यूड की वजह से। जैसे ही अपलाइन को लगने लगता है कि ये बंदा चेंज हो रहा है, अब ये उठेगा, आप दोबारा वही कर लेते हो जो आपने शुरू किया था, जहां से आपने शुरू किया था। स्नूजर्स की कैटेगरी बहुत ज्यादा है। थर्ड कैटेगरी जो फॉलोअर्स है, जो एक झटके में उठ जाते हैं, एक डेढ़ दो तीन महीना अच्छा करते हैं और पता नहीं फिर क्या हो जाता है, सडनली सो जाते हैं, भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं कहीं से, और वापस गायब होकर थोड़े दिन बाद जब वापस रिलेव वापस आते हैं। टेम्पररी चेंज करते हैं खुद को, सिर्फ बदलाव तो लाते हैं बट वो टेम्पररी बदलाव लाते हैं। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको
परमानेंट चेंज लाना होगा, ये शब्द मैं दूसरी व्याख्या में समझाना चाहूंगा। अगर आप परमानेंट चेंज लाना चाहते हैं खुद के अंदर या फिर किसी समाज के अंदर भी, तो आपको चेंज टू कल्चर तक आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जब तक वो चेंज कल्चर में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक वो चेंज परमानेंट नहीं हो सकता। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है चेंज के लिए, बदलाव के लिए। आज अगर हेलमेट की बात मैं करूं, हेलमेट सब लोग पहनना शुरू कब करेंगे पता है आपको? ये परमानेंट चेंज कब आएगा? जब ये कल्चर बनेगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिर्फ ये, और ये कल्चर तब बनेगा जब हम उस बदलाव पे मॉनिटरिंग करेंगे। कब तक? जब तक वो कल्चर में कन्वर्ट नहीं होता। प्रॉब्लम इधर है कि हम लोग मॉनिटरिंग करना छोड़ देते हैं। एक बच्चा हेलमेट पहन के नहीं आया, हमने इग्नोर कर दिया, मॉनिटरिंग नहीं हुई वहां पे। वैशाली जी ऐसा नहीं करती है, आप देखना उनको, वो हमेशा टोकेगी, बोलेगी कि क्यों नहीं आए पहन के आप, क्यों नहीं आए। आपको तब तक टोकना होगा, तब तक रोकना होगा, तब तक समझाना होगा जब तक वो बदलाव कल्चर में कन्वर्ट नहीं होता, तब परमानेंट चेंज आएगा। आपको पता है कितने सारे ऐसे देश है, जैसे आज स्वच्छता अभियान चल रहा है इंडिया में, अगर सच में वो स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाना है तो हमें उसको कल्चर में कन्वर्ट करना होगा, तब तक वो बदलाव नहीं आ सकता। और वो बदलाव तब आएगा जब हम तब तक मॉनिटरिंग करेंगे जब तक वो कल्चर में कन्वर्ट नहीं होता। और मॉनिटरिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है आम इंसान से ज्यादा हम इबीजर की है, क्योंकि हम उनसे आगे चल रहे हैं ऑलरेडी। मलन सर आके यहाँ पे पूरे इंडिया की लेवल पे बात करते हैं, पूरे इंडिया को सुधारने की बात करते हैं, पूरे इंडिया को डेवलप करने की बात करते हैं, चेंज करने की बात करते हैं, पूरे इंडिया के बदलाव की बातें चल रही है। क्या ईबी सर खुद को बदलने नहीं पाएगा? इतना टाइम लगाएगा खुद को बदलने के लिए, तो कब बदलेगा दुनिया, कब बदलेगा देश, कब बदलेगा समाज? मुझे पता है मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत आगे की बात बोल रहा हूँ, बट बहुत आगे की बात बोलने वाला व्यक्ति ही तो कामयाब होता है। समझना होगा आपको, सिर्फ खुद के बारे में सोच के नहीं चलेगा। और आज मैं बताऊं, दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक अच्छा इंसान, एक बुरा इंसान, यस नो? अच्छे इंसान की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अमीर बनना चाहिए, नहीं समझे आप? अच्छे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अमीर बनना ही पड़ेगा। इबीजर कौन से इंसान है? अच्छे इंसान, हम सब है अच्छे इंसान, गुड ह्यूमन बींग, यस नो? हमारी मोरल, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, सोच के देखिए आप। एक 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 छोटा सा मैं वाक्य कहना चाहूंगा, दुनिया में जितने भी कंट्री है ना, उनकी एक 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 कांस्टेंट ऐसी करेंसी जो होती है, जो एक फिक्स करेंसी होती है, वो रोटेट होती रहती है, फिक्स करेंसी होती है सबकी, यस नो? सिर्फ वो रोटेट होती है, यस नो? एवरेज निकाले तो आप, अब वो जो करेंसी रोटेट हो रही है वो अगर गलत हाथों में चली जाए, अगर अच्छा इंसान रिच नहीं बनता, गलत इंसान रिच बन जाता है, तो वो दुनिया बर्बाद कर सकता है। सोच के देखिए, मदर टेरेसा के पास अगर बहुत पैसा होता तो आज दुनिया कैसी होती? अगर यही बात मैं बताऊं, ये सोच के देखिए कि अगर ओसामा के पास बहुत पैसा आ जाता तो दुनिया का हाल क्या होता? आज हम अच्छे इंसान हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम इधर ही है कि गुड ह्यूमन बीइंग जो होता है वो ज़्यादा सोचता नहीं है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड होता अपनी ज़िंदगी से। एक 100 रुपये की नोट पड़ी है, हम क्या सोचते हैं, अच्छा इंसान क्या सोचता है कि चलो किसी और की होगी, मैं टच नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है, मैं निकल लूँगा, क्योंकि वो अच्छा इंसान है, वो निकल जाता है। बट मेरा समझना ऐसा है कि आपने ही गलती करी, क्योंकि आपने नहीं उठाया तो वो गलत इंसान उठाएगा, उसका गलत नशा करेगा, कुछ गलत करेगा, यस नो? क्योंकि उठाएगा तो गलत इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान तो उठाता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अच्छा इंसान है।
पर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे इंसान को उठा लेना चाहिए जिससे वो किसी पुअर की हेल्प कर सके। बदलाव लाओगे तब होगा, और परमानेंट बदलाव लाने के लिए आपको फॉलोअर्स में से वेकर्स की कैटेगरी में आना पड़ेगा। और जो वेकर्स होते हैं, अलार्म क्लॉक तो वो लगाते हैं जिनकी खुद की अलार्म अंदर नहीं बजती है, जिसके अंदर खुद की अलार्म बजती है। घंटा इधर बजता है, उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। जब जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना होता है, सच में आगे बढ़ना होता है, जब बहुत बड़े ड्रीम्स हैं और वो ड्रीम्स में सच में वो जान डाली हुई है आपने, तो आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती है खुद को उठाने के लिए। जिंदगी में खुद को उठाने के लिए आपका जो घंटा दिमाग का है ना, वो खुद बजता है। आपको नींद ही नहीं आती है, उठने की तो बात ही नहीं चल रही है। आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है। क्यों बार बार समझाए आपको कोई, क्यों बार बार मोटिवेट करे कोई आपको? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको यह समझना चाहिए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हर 3 महीने में क्यों मोटिवेट करें हम आपको? क्या हम वेकर्स बन सकते हैं? सारे बन सकते हैं? सारे सुबह सुबह कन्वेंशन में आने से पहले भी उठने में प्रॉब्लम हुई रहेगी एक दिन पहले, या हम जब मॉर्निंग सेशन करते तब भी आधे लोग आते आधे लोग नहीं आते मॉर्निंग सेशन में। आई नो, जब रेगुलर मॉर्निंग सेशन होते हैं, जब सिल्वर गोल्ड करते हैं, तो कुछ लोग उठते हैं, कुछ लोग नहीं उठते, कुछ लोग बहाने देते हैं। किस लिए बुलाया जा रहा है आपको मॉर्निंग सेशन में? आपके लिए बुलाया जा रहा है। अगर आप वो लेजी वाला एटीट्यूड ही नहीं छोड़ना चाह रहे, एक नींद को आप त्याग नहीं सकते, तो आप जिंदगी में क्या कामयाब बनोगे? आप कामयाब बनने वाले लोगों ने कितने सेक्रीफाइसेस, कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, आपने कभी हिसाब किताब लगाया है उसका? बेस्ट एग्जाम्पल मल्लन सर है हमारे सामने। क्वेश्चन करिए खुद को आप आज बैठ के यहां पे कि आपने कितना सैक्रिफाइस किया है, या कितना कॉम्प्रोमाइज किया है, और कितनी मेहनत करी है, और क्या किया है आपने अब तक जो आपको वो मिले जो आप सोच रहे हैं। हमें जलसी हो जाती है, हमें गुस्सा आ जाता है कि उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। आपने क्या किया? टारगेट सबके लिए सेम होता है, यस और नो? उसमें कोई पार्शलिटी होती है क्या? सब लोग फिर अचीव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ लोग स्लीपर्स होते हैं, कुछ लोग स्नूजर्स होते हैं, कुछ लोग फॉलोअर्स होते हैं, और एक जो वेकर्स होता है ना, वो यहाँ पे आके अपनी स्पीच डिलीवर करता है। क्या बनना चाहेंगे आप डिसाइड करें, और अभी अभी अपना डिसीजन ले बैठ के, आप कौन सी कैटेगरी में हो? स्नूजर्स में कौन है? मैं पूछूंगा नहीं, खुद को बताओ स्नूजर्स में कौन है, स्लीपर्स में कौन है? स्लीपर में अगर आप हो तो बेटा आप तो भी पाताल में हो। फॉलोअर्स में कौन है और वेकर्स में कौन है, आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सी कैटेगरी में चेंज करना है, और आप कामयाब बन सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप, मैंने स्टार्टिंग में भी ये पॉइंट रखा था, बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रमाकांत आचरेकर नाम सुना है? डीएम नंबियर, पीटी उषा का कोच रमाकांत, सचिन तेंदुलकर का कोच द्रोणाचार्य, अर्जुन के गुरु, जबकि द्रोणाचार्य ने उनको उस तरीके से सिखाया कि वो उनके सामने भी लड़े। बात यह है कि हम अपने जो टीचर्स होते हैं ना, उनकी टीच को, उनकी सीख को अगर हम अपने अंदर से निकाल देना, तो हमारे अंदर कुछ नहीं बचेगा। मैंने जब स्टार्टिंग में भी कहा कि नर्सरी के जो टीचर थे हमारे, नाम किसी को याद नहीं होगा कि नर्सरी में कौन टीचर थे आपके, ये सुनो, नाम याद है किसी को? बट उन्होंने जो सिखाया वो उस टाइम पे आपको, वो जो फाउंडेशन उन्होंने बनाई, उसकी वजह से आज आप डेवलप कर पाए ना अपने आप को। आज भी वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सुनो, एक टीचर ने बोर्ड पे लिखा 1000 का नंबर। एक बच्चा मस्ती कर रहा था, उसको बताया कि ये कितना नंबर है, बोला 1000, उसमें एक आगे जीरो ऐड कर दिया, बोला अब कितना नंबर है, 10,000। अब उसके एक के इधर एक जीरो ऐड कर दिया, अब कितना नंबर है, बोला 10,000। टीचर ने यही समझाया, जब एक इनसिग्निफिकेंट नंबर सिग्निफिकेंट नंबर को फॉलो करता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।
बट जब एक सिग्निफिकेंट नंबर इनसिग्निफिकेंट नंबर अगर वो उसको आगे जाता है सिग्निफिकेंट नंबर से, वो उसको हराना चाहता है, उसकी वैल्यू जीरो है, कुछ नहीं है. आपको समझना होगा टीचर की वैल्यू आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु की वैल्यू आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको उनको कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनसे हमेशा आप उनसे कंपेयर मत करिए अपने आप को. सचिन तेंदुलकर कंपेयर कर सकता है रमाकांत जी से? रमाकांत जी शायद उतने बेस्ट प्लेयर नहीं थे बट बेस्ट कोच थे वो. आप समझे इस बात को. हो सकता है आपकी अपलाइन में ऐसे बहुत लोग हो जो आपसे स्मार्ट ना हो, आपसे बेस्ट ना हो, आपसे आपके जितने टैलेंटेड ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ सिखाया नहीं होगा आपको. हर एक अपलाइन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सिखाती है. ये सुनो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सिखाती है अगर आपका सीखने वाला एटीट्यूड है. अगर आपको सपोर्ट ना भी करे तब भी वो कुछ सिखा रही है, क्योंकि हम अपलाइन की डाउनलाइन की बात कर रहे हैं. हम तो लवलाइन से भी सीखते हैं, उनसे तो कोई लेना देना नहीं है. तो अगर वो सिखा सकती है तो आपकी अपलाइन जो आपकी है वो तो सिखा ही रही है, भले आपसे वो कम टैलेंटेड हो सकती है या ज़्यादा टैलेंटेड हो सकती है. हम उस वजह से उनको रिस्पेक्ट नहीं करते. सचिन तेंदुलकर ने कभी भी नाम नहीं भूला उनका, उनके बायोग्राफी में भी उनका नाम था. आप समझो इस बात को. नर्सरी की टीचर को हम आज भी रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं देंगे अगर मिलते हैं, हमें पता चलता है कि ये मेरी नर्सरी की टीचर थी. अगर वो नहीं सिखाती आपको तो आप आज प्लस माइनस कर पाते, 2+2 कर पाते, क्या कर पाते आप? आज इंग्लिश भी आप बोल पा रहे तो किसी ने ABCD सिखाई थी इसलिए बोल पा रहे हो. यस नो? तो हम कैसे उसको भूल सकते हैं, हम कैसे उनसे अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं? समझे अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप को, समझे कनेक्टिविटी को, समझे ट्रस्ट होना चाहिए. हो सकता है आप अपनी अपलाइन से बहुत आगे भी निकल जाओ कहीं पे कई बार, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनका रोल नहीं है आपके सक्सेस में. ये सुनो, इसी मैसेज के साथ एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज मैं देना चाहूंगा. और उससे पहले इट्स अ हाई टाइम नाउ. हाई टाइम मतलब समझ ही रहे हैं किस चीज का टाइम है. फॉर ट्रॉफी, और बिल्कुल मैं तो अनाउंस नहीं करूंगा, मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे नन अदर देन बुलाए सर को. जानना चाहते हो रिजल्ट्स? जानना चाहते हो 6 May 2018 द जी टीम कन्वेंशन का नंबर 1 टीम कौन है? तो मैं बिल्कुल चाहूंगा एक्साइटमेंट उस लेवल का. सो प्लीज मेक वे नन अदर देन द किंग रघु टेकरीवाल सर ऑन द स्टेज. वो आके नंबर 1 टीम अनाउंस करे और ट्रॉफी उनको हैंड ओवर करे. जबरदस्त अप्लॉज के साथ रघु सर को इनवाइट करेंगे. जो टीम क्वालिफाई हुई है, जो टीम 400 पॉइंट कवर करके क्वालिफाइड हुई है कंपटीशन जीतने के लिए, पहले मैं तीनों टीम को बुलाना चाहूंगा. तीन टीम है जो क्वालिफाइड कर पाई है अपने आपको 400 पॉइंट तक पहुंचा के, उसको क्रॉस करके. फर्स्ट टीम जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम वॉरियर्स ऑन द स्टेज. वॉरियर्स ऑन द स्टेज, प्लीज वेलकम यूनाइटेड 7 ऑन द स्टेज. And please welcome Maestro team on the stage. Come on. Goals and above of Maestro team, Diamond team, Maestro team, United 7 team and Warriors team. Only goals and above stage. Okudi har ek mardi
लगता है वॉरियर जीत रही है। पायरो होगा थोड़ा बच्चों को पीछे करो। हाँ? पायरो होगा बच्चों को पीछे करो। थोड़ा पीछे हो जाओ। यहाँ पे ब्लास्ट लास्ट होगा लग जाएगा आपको। थोड़ा पीछे हो जाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ। अच्छा। तो आज अच्छा कुछ लोग एक बात मेरी सुने मास्टर भी चिल्ला रहा है। एक मिनट शांत हो जाए, मेरी बात सुने आप सारे, प्लीज मेरी बात सुने सारे, मेरी बात सुने। ठीक है, आप सारे वॉरियर्स को के लिए हूट कर रहे हैं, आप वॉरियर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि आप में से वही इंसान वॉरियर्स के लिए आवाज़ निकालेगा जिसने वॉरियर की इस ट्रॉफी में कंट्रीब्यूट किया है। आप सबने इस ट्रॉफी में कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि अगर वॉरियर्स को ये ट्रॉफी मिलेगी तो वो आपकी वजह से मिलेगी। ठीक है, अभी आप एक मिनट चिल्ला लो, आप एक मिनट चिल्ला लो वॉरियर्स के लिए, चिल्लाओ आप सारे। बस बस वॉरियर्स वाले, थोड़ा यूनाइटेड सेवन की तादाद यहाँ कम लग रही है मुझे। अच्छा वहां पे वॉरियर्स ने, मुझे ऐसा लग रहा है वॉरियर्स ने गेम खेला है, यूनाइटेड सेवन का रास्ता ब्लॉक किया गया है यहाँ पे। एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है, राजस्थानियों ने रास्ता रोक के हमला करने की कोशिश करी है। आवाज कम आ रही है लेकिन यूनाइटेड सेवन ने आगाज बहुत अच्छा किया था। यूनाइटेड सेवन वो टीम थी,
काटेगी. थैंक यू गाइस. ओके ओके. मैं बस आप दोनों टीम से यही उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, एक दूसरे पे कोई हाथ नहीं उठाएगा. ठीक है. अपने अपने संयम को बरकरार रखें, दिल थाम के रखें. बहुत ही कांटे की टक्कर रही. मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, चाहे ये ट्रॉफी आज किसी को भी जाए, आज ये ट्रॉफी यूनाइटेड 7 को जाए या वॉरियर्स को जाए, माइस्ट्रोज को हमने रखा है यहाँ पे. अभी बस हम बात नहीं करेंगे अभी इस टॉपिक पे. स्टेज पे गोल्ड अनुभव के अलावा कोई भी स्टेज पे नहीं आएगा. स्टेज पे कोई उछलेगा नहीं. ट्रॉफी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रॉफी आपसे अगली बार छीनी जाएगी और हमें उसी हालत में वापस चाहिए. आप ठीक से रख पाएंगे? अगर आप ये वादा करते हैं कि आप ये ट्रॉफी ठीक से रख पाएंगे, तो भी हम आपको ट्रॉफी. कांटे की टक्कर रही. कांटे की टक्कर रही. आखिरी दिन तक मैं नहीं बता पा रहा था कि कौन जीतेगा. आखिरी दिन तक, आखिरी मूवमेंट तक, आखिरी मिनट तक, इवन आखिरी सेकंड तक अगर लड़ाई हुई है, मैं इस बात का जीता जागता गवाह हूँ कि आप में से किसी भी एक इंसान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है. इन दोनों टीम्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी गई. कहीं लास्ट मूवमेंट तक, रात के 12 बजे तक जिस तरीके की फाइट हुई है, जिस लेवल की ईबस हुई है, जिस किस्म का परफॉर्मेंस हुआ है, इस परफॉर्मेंस की मुझे दिन रात आपसे उम्मीद रहती है. दिल की धड़कनें वहां से आ रही है. मैं तो कह रहा हूं कि ये धड़कनों की आवाज आपके अंदर से क्यों नहीं आ रही. आवाज धड़कनों की चाहिए, आपकी जुबान की नहीं चाहिए, धड़कनों की आवाज चाहिए. है ना? यस. आपने गौतम जी बाहर एम्बुलेंस भी तो मंगवा रखा है ना? अगर किसी को कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मामला फिर अल्टीमेटली आपको ही संभालना पड़ता है सारा. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. कांटे की टक्कर रही. कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी एक मोमेंट पे भी इन दोनों टीम्स में से किसी ने लूज छोड़ा हो. मुझसे भी कई सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स करवाए गए, मुझे भी पूरा इस्तेमाल किया इन्होंने. और मैं ना बोलता था कि अगर आखिरी मोमेंट पे ट्रॉफी नहीं मिली तो बहुत बुरा लगेगा. मैं बोलता था ना. इसलिए आखिरी मोमेंट से पहले के सारे मोमेंट्स पे काम कर लेना चाहिए, ताकि आखिरी मोमेंट का जो सारा मजा है वो हमारे हिस्से में आए. मलन सर एक बहुत अच्छी बात अर्पित जी बोल रहे कि ये सब छोड़ो बता दो. अगर पहले मूवमेंट से काम शुरू हो जाए तो बहुत सारा मार्जिन मिलता है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए. और पहला मूवमेंट जो इस ट्रॉफी का था, पहली आगाज जो इस ट्रॉफी की थी वो यूनाइटेड 7 ने की थी, वो अच्छी बात रही. हालांकि ऐसा होना चाहिए कि जिसने शुरुआत करी ट्रॉफी उसी को मिलनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है. लेकिन कई बार ऐसा वक्त धोखा दे देता है. कई बार ऐसा नहीं हो पाता है कि जब कुछ टीम्स होती है जो आखिरी मोमेंट पे भी फाइट करके जीतने की काबिलियत रखती है, या जीत अगर ना भी पाए तो जीतने वालों को टक्कर देने की काबिलियत तो रखती है. वॉरियर्स टीम ने जीतती हुई टीम को बहुत खतरनाक टक्कर दी.
और वो जीत के इतने करीब पहुंच गए थे कि मुझे तो लगा कि जीत ही गए। लेकिन आखिरी हफ्ते में जीत और हार का सिलसिला हर दिन इस तरीके से चल रहा था। माइक, आपने पूरी कन्वेंशन में बहुत बदमाशी करी, अब मेरी बारी है। इस पूरी कन्वेंशन में आप लोगों ने एक दूसरे से बातें करी हैं, ऐसे हमारी कन्वेंशन में नहीं होता। मैंने देखा, मैंने सुना, हमारी कन्वेंशन डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, बट वैसा हुआ नहीं इस बार, लेकिन हम इसको अगली बार इम्प्रूव करेंगे। तो आज मेरी बारी है, अब मैं डिसिप्लिन करूँगा थोड़ा सा। मैं भी तो आपके साथ खेलूँ थोड़ा, कभी कभी तो आप हमारे हाथ में आते हो। तो पूरी यूनाइटेड 7 ने शुरुआत करी, अच्छी शुरुआत रही इनकी, कोशिश इनकी पूरी थी। हालांकि इन सब लोगों को यूनाइट होना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत फैले हुए थे, अलग अलग एरियाज से थे, एक दूसरे से बात करना डिफिकल्ट था। फिर भी इन्होंने कम्युनिकेशन में कितनी ताकत यूनाइटेड 7 ने बताया, बट कोई बात नहीं, अपनी कोशिश पूरी करी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आज ये ट्रॉफी किसी को भी जाए, ना कोई जीता है ना कोई हारा है, मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूँ। तो बता ही देते हैं, अब इसको और ज्यादा नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा तो बताऊंगा। नो म्यूजिक, मुझे आपके दिल के धड़कनों की आवाज सुननी, पिन ड्रॉप साइलेंस। एंड द फर्स्ट जी टीम कन्वेंशन ट्रॉफी goes to, I said pin drop silence. I'll start again. The first G team convention trophy goes to, फिर बोल दिया आपने, अभी सीखा नहीं क्या आपने? The first G team कन्वेंशन ट्रॉफी, मैं इस तरफ करूं या इस तरफ करूं? विकी जी आप इस तरफ आओ, अंकुर जी आप उस तरफ आओ। मन तो कर रहा है कि मैं अंकुर जी आपको देना चाहता हूं। पृथ्वी जी हाथ मत लगाओ अभी, लेकिन आपको भी मानना पड़ेगा, इंस्पिरेशन तो आपको विकी जी से ही आई थी ना। हाँ, सो द फर्स्ट जी टीम कन्वेंशन ट्रॉफी गोज टू यूनाइटेड 7। सो, ये इंटरनेशनल टिकट कौन जीता है जानना चाह रहे हैं?
नंबर वन विनिंग टीम के नंबर वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू नंबर वन टीम यूनाइटेड सेवन ऑफिशियली. प्लीज ये इंटरनेशनल टिकट रिटर्न फ्लाइट टिकट गोल्ड एंड अबव में गोल्ड कैटेगरी में जो स्पीकर थे गोल्ड कैटेगरी में उनको मिलने वाला था. जैसे आप जानते हैं तो जो स्पीकर थे गोल्ड कैटेगरी में गोल्ड एंड अबव में नाम बताना चाहूंगा जिनको इंटरनेशनल टिकट मिलेगा एक्चुअली में रिटर्न टिकट मिलेगा. द फर्स्ट नेम श्याम गिरी जी एंड द सेकेंड वन सोनम सिंह जी. कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू. आ जाओ संकेत जी सिद्धार्थ जी. संकेत जी सिद्धार्थ जी रितुल जी सीनियर आ जाइए. पैनल जी उदय पाटिल जी शिव जी दर्श जी प्लीज ऑल सीनियर लीडर्स धवल जी वैशाली जी अमित जी